सो बच्चों आपकी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो वेटेज है वो भी अच्छी खासी दी गई है और आप जानते हो कि जो ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर हिस्ट्री में से अक्सर पूछ ले जाते हैं और नेशनलिज्म इंडिया की जब बात आती है तो एक ना एक क्वेश्चन तो आप मान के चलेगा लॉन्ग में वो आपको डेफिनेटली देखने को ज़रूर मिल जाता है। सो इसीलिए बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपके हर एक लेवल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाई डिड महात्मा गांधी ज्वाइन खिलाफत इशू। अब मैंने यहाँ पे आपको जैसे कि एमसीक्यू में भी बताया था कि जो खिलाफत इशू था वो इंडिया के नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड नहीं था बल्कि वो तुर्की के अंदर जो हो रहा था उसके अगेंस्ट यानी कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में चलाया गया था क्योंकि वहाँ पर जो खलीफा थे उनकी पोस्ट को दोबारा से स्टार्ट करने को लेकर ये जो खिलाफत मूवमेंट था चलाया गया था। लेकिन गांधी जी ने क्यों खिलाफत इश्यू को ज्वाइन करवाया? तो देखिए महात्मा गांधी जी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया क्योंकि वो चाहते थे कि अगर हम इंडिया के अंदर नेशनल मूवमेंट की शुरुआत करिए तो कहीं ना कहीं हमें खिलाफत की भी नीड जरूर पड़ेगी। बट ही वाज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। बिना हिंदू मुस्लिम के ये मूवमेंट ऐसे सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इश्यू। सो दैट्स अ रीजन उन्होंने खिलाफत जो आंदोलन था उसको एक तरीके से मर्ज कर दिया नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर जो अपने आप में एक बहुत बड़े लेवल पे स्प्रेड भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हु आर द टू मेन लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। तो वो दो भाइयों के द्वारा चलाया गया था जो कि थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, हाउ वाज द अवध किसान सभा फॉर्म्ड। तो ये किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी इस सभा की? देखिए अवध आप जानते हो कि जो जगह है वो उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध टॉकिंग टू द विलेजर एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस। यानी कि एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी ने इस टाइम पे शुरुआत करी थी अवध में और किसानों से बातचीत करी थी, उनकी शिकायतों को लिया था और अक्टूबर में इस सभा को एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी और साथ ही बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य के द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। तो बाबा रामचंद्र जी का जब नाम आएगा तो वो अवध में इसी सभा को लीड भी कर रहे थे। तो एग्जाम में वन मार्क एमसीक्यू में जाता है पूछ लिया जाता है कि कौन कर रहा था, तो आपको इनका नाम जरूर याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि व्हाट वाज चोरी चोरा मूवमेंट। तो देखिए इसका जो रिलेशन है एक तरीके से आप मान सकते हो कि प्रॉपर तरीके से जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा था जिस तरीके से उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी तो एकदम ही जो ब्रेक लग गया था वो इस इंसिडेंट की वजह से हुआ था। अब चोरा चोरी मूवमेंट में हुआ क्या था, देखिए इट टुक प्लेस इन गोरखपुर यानी कि ये भी उत्तर प्रदेश में जगह है गोरखपुर के आसपास। चोरी चोरा व्हेन अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। यानी कि जो पीसफुल मूवमेंट था जो लोग थे तो हुआ क्या था कि पुलिस वालों के साथ उनका एक झड़प हो गई थी, एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। देन दोज डेमोन्स्ट्रेटर वेंट टू पुलिस स्टेशन लॉक द पुलिसमैन इनसाइड एंड पुट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर एंड बर्निंग अबाउट 11 पुलिसमैन अलाइव। तो आप कह सकते हो कि पुलिस एक तो पुलिस जो स्टेशन था उसे भी जला दिया गया और 11 जो पुलिस वाले थे उनको भी एक तरीके से उनकी डेथ हो गई थी। तो ये अपने आप में बहुत खराब चीज हुई थी। तो आप कह सकते हो कि इसके बाद गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा था उसे बंद करने का निर्णय लिया था और गांधी जी को इस इंसिडेंट की वजह से भी कह सकते हो कि उन्हें जेल भी हुई थी, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि हाउ डिड महात्मा गांधी डिक्लेयर सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। ठीक है, ऑन 6 अप्रैल ये डेट याद रख लेना। ठीक है, महात्मा गांधी अलोंग विथ 78 फॉलोवर एंड मैनी अदर रीच डांडी कोस्ट एंड सेरेमोनियली वायलेटेड लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। तो कह सकते हो कि इस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी थी नमक सत्याग्रह आंदोलन की, सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट की।
द मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, और यहीं से आप कह सकते हो। और एक बेनिफिट मैं आपको एक्स्ट्रा ये भी बता देता हूँ कि जब ये नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी दांडी, जो कि गुजरात में एक जगह है जहाँ पे गांधी जी ने नमक को उठाया था अपने हाथ में और उसको कानून को ब्रेक कर दिया था, तोड़ दिया था, तो ये जो कवरेज थी, जो ये इनकी यात्रा जो थी ना, उसको ना केवल इंडियन मीडिया के थ्रू बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू भी कवरेज किया गया था, तो अपने आप में काफी ज्यादा ये पॉपुलर भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 था कि व्हाट काइंड ऑफ इंडियन फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। तो जो इंडियन फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, वो था ट्री कलर का फ्लैग, जिसके अंदर कलर कौन कौन से थे, रेड ग्रीन एंड येलो डिजाइन किए गए थे। इसके अलावा 8 लोटस उसमें थे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया की, और साथ ही क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग कर रहा था हिंदू एंड मुस्लिम्स को। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको 1 मार्क में, एमसीक्यू मोड में या 2 मार्क्स में अक्सर पूछ ले जाते हैं। नेम द 2 मेन सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय महात्मा गांधी जी सक्सेसफुली इन फेवर ऑफ पीस इन 1916 एंड 1917। तो देखिए, सत्याग्रह का मतलब ही होता है कि नॉन वायलेंट मेथड फॉर मास एजिटेशन अगेंस्ट द ऑप्रेसर, यानी कि बिना किसी वायलेंट के थ्रू ही एक तरीके से उस वॉर को जीत जाना। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, यानी कि एक तरीके से आपको साथ रहना है किसके, सच्चाई के साथ, सत्य के राह पर आपको चलना है। गांधी जी का सबसे बड़ा आप कह सकते हो एक उनके एक एग्जांपल्स थे, क्योंकि वो हमेशा से, एक आपने ये लाइन सुनी होगी कि गांधी जी हमेशा से सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, और ये बात सच भी है। चंपारण और खेड़ा अपने आप में हिस्टोरिकल था, क्योंकि चंपारण जो कि बिहार के अंदर और खेड़ा जो कि गुजरात के अंदर अहमदाबाद में, तो गांधी जी ने एक तरीके से दोनों जगह पे क्या किया था। चंपारण में तो ये था कि वहाँ पे जो नील की खेती होती थी तो वहाँ पे जो टैक्सेस था अंग्रेज जो वहाँ के किसानों पे लगाते थे, तो गांधी जी ने वहाँ जाके एक तरीके से सेटलमेंट करवाया था। और खेड़ा के अंदर भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि जो वहाँ के किसान थे उनकी फसल खराब हो गई थी और आप कह सकते हैं कि वो टैक्स नहीं चुका पा रहे थे, तो ऐसे में गांधी जी ने वहाँ जाके भी सेटलमेंट करवाया था। ठीक है, तो ये अपने आप में उनके लिए एक सक्सेसफुली स्टार्टिंग के उनके मूवमेंट थे। Explain the idea of Gandhi ji as he expressed in the famous book Hind Swaraj regarding non-cooperation movement. तो देखिए, महात्मा गांधी जी रोड द हिंदू स्वराज, एक नाक में ये भी आ जाता है, इन द बुक गांधी जी डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन, यानी कि इंडियन कोऑपरेशन के थ्रू ही इंडिया के अंदर एक तरीके से ब्रिटिश रूल जो है एस्टैब्लिश हुआ एंड हैड सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन, और इस वजह से चल पा रहा है। If Indian refuse to cooperate, अगर Indian इससे refuse कर दे, मना कर दे सहयोग देने से, the British rule in India would collapse within a year, साल भर के अंदर ही वो खत्म हो जाएगा, and Swaraj would be established, यानी कि आजादी जो है वो एक तरीके से स्थापित हो जाएगी। तो ये था हिंद स्वराज, स्वराज का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी। क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन एनी 4 फैक्टर विच वर रिस्पॉन्सिबल इन अराउजिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहला था पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री अंडर द ब्रिटिशर, देन दूसरा था डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया ऑल सोशल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम, देन सेकंड था डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ट्रेड एंड इंडस्ट्री, काफी ज्यादा लोग जो कास्ट सिस्टम थी वो काफी वीक पड़ गई थी इसकी वजह से, द सेंस ऑफ बींग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप, क्योंकि एक साथ लोग काम करते थे ये नहीं देखते थे कि वो किस कास्ट का है, लेकिन जब एक साथ सभी लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था तो कहीं ना कहीं में यूनिटी बनती चली गई थी। तो आप कह सकते हो कि नेशनलिज्म की शुरुआत धीरे धीरे कुछ ऐसे ही हमें इंडिया के अंदर देखने को मिली। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन इन इंडिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था वो 1914 से 1918 के बीच में था, और जो ब्रिटिश था वो काफी की रोल प्ले कर रहा था वर्ल्ड वॉर के अंदर, क्योंकि जो एरेना था ना मेन वो यूरोप ही था, और आप भी जानते हो कि ब्रिटेन यूरोप का ही पार्ट है और उसका रूल इंडिया के अंदर था। तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन पे क्या इंपैक्ट पड़ा था उसके बारे में जान लीजिएगा। इट लेड अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर व्हिच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी वो रेज एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। इस वजह से इंडिया के अंदर ये सारी चीजें में देखने को मिली। थ्रू द वॉर ईयर प्राइस जो थे वो इंक्रीज हो गए, डबलिंग बिटवीन द 1913 एंड 1918, लीडिंग द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, काफी मुश्किल हो गई थी। और सबसे प्रॉब्लम एक ये भी था कि जो विलेजर थे एक तरीके से सोल्जर के तौर पर सप्लाई किए जा रहे थे, यानी कि फोर्सफुली उनको एक तरीके से रिक्रूट किया जा रहा था विदाउट उनकी परमिशन के थ्रू। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक एंगर था, गुस्सा था लोगों के बीच में, जो बहुत चल के आगे फैला भी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज रोलेक्ट एक्ट एंड हाउ डिड द इंडियन शो देयर डिसअप्रूवल टुवर्ड्स दिस एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट जो था वो एक तरीके से इन्यूमरस पावर दी गई थी ब्रिटिशर को कि देखो कोई केस चलाने की जरूरत नहीं, सीधा शूट आउट का ऑर्डर, इतना खतरनाक ये एक्ट था। रोलेक्ट एक्ट वॉज एन ऑप्रेसिव एक्ट इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1919। इट गेव द गवर्नमेंट इन्यूमरस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल ऑफ 2 years। तो बिना किसी ट्रायल के आपको डिटेंशन कर लिया जाएगा, कोई भी आप पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर करते दिखाई दिए तो, यहाँ तक कि वहाँ के नॉर्मल से ब्रिटिश को भी ये पावर दे दी गई थी। सो इंडिया का डिसअप्रूवल था इस चीज़ में, तो महात्मा गांधी जी ने रिएक्ट किया था शार्पली एंड डिसाइडेड किया था कि वो लॉन्च करेंगे नॉन वायलेंट सिविल डिसऑबिडेंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ, जो कि ये था। रैली वर ऑर्गेनाइज इन अ वेरियस सिटी, वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक इन अ रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप क्लोज डाउन। इवन पीसफुल प्रोटेस्ट मीटिंग वर ऑर्गेनाइज एट जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में था। और ये जो इंसिडेंट होता है, इस वजह से भी इसे ब्लैक डे माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो जनरल डायर थे उन्होंने अंधाधुंध जब गोलियां चलाई थी तो इतने सारे जो लोग होते उनकी डेथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 था कि मेंशन थ्री प्रपोजल विद अ रेफरेंस टू द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट एज सजेस्टेड बाय द महात्मा गांधी जी। तो देखिए बेसिकली अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से कि आप कैसे महात्मा गांधी जी ने सजेस्ट किया था कि आप नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हो। तो आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा था सरेंडर ऑफ द टाइटल, जो भी टाइटल है, जैसे कि नाइटहुड एक ग्रेटेस्ट प्रेस्टीजियस टाइटल माना जाता था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस दे दिया था ब्रिटिश को, क्योंकि वो जलियांवाला जो बाग था ना, जो जब ये इंसिडेंट हुआ था इसके बाद उन्होंने ये टाइटल वापस दे दिया था, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा वो आघात हुए थे। ऑनर एंड ऑनररी पोस्ट, इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसे बॉयकॉट कर दो, इसके अलावा जो एक तरीके से बॉयकॉट ऑफ द लॉ कोर्ट्स बाय द लॉयर के, तो ये सारा, साथ ही जो गवर्नमेंट स्कूल है कॉलेज है उन्हें भी बॉयकॉट कर दो, अपने बच्चों का नाम वहाँ से हटा लो इन स्कूल कॉलेज से, साथ ही जो ब्रिटिश गुड्स है उसको भी एक तरीके से बॉयकॉट कर दो टू गेट अ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। ये इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट को काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। एंड महात्मा गांधी एंड शौकत अली टर्न एक्सटेंडिवली थ्रू आउट द इंडिया। तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो मूवमेंट था वो आगे चल के धीरे धीरे स्लो डाउन भी होता चले गया। तो उसके रीज़न अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे, जो इसी में आपको देखने को मिलेगा। हाउ वॉज द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कन्वर्ट इंटू अ नेशनल मूवमेंट बाय गांधी जी। ये जो नॉन कोऑपरेटिव या नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है वो किस तरीके से नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिटी को लेकर, हिंदू एंड मुस्लिम्स की। महात्मा गांधी जी फेल्ट दैट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, तो ही वाज सर्टेन दैट नो सच अ मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। अगर वो चाहते हैं कि नेशनल लेवल पे मूवमेंट करना तो हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाना जरूरी है, वरना कोई मूवमेंट ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। मर्जिंग खिलाफत इशू विद द मूवमेंट, तो देखो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसके अंदर खिलाफत को भी एक तरीके से ऐड कर दिया गया था। सो टू यूनाइट द बोथ द कम्युनिटीज हैज ही डिसाइडेड टू टेक अप द खिलाफत इशू। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन, यानी ऑटोमन एम्पायर की बात हो रही है तुर्की को लेके, एंड देयर वाज रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज एन ऑटोमन एम्पायर, यानी कि वहां पे खलीफा नहीं बैठेंगे, ब्रिटिश का ही वो मेन बैठेगा एम्पायर जो होगा। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, जो खलीफा की बात की जा रही है, तो इसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी इंडिया में और गांधी जी ने सपोर्ट किया था, और उसको इस खिलाफत आंदोलन को ब्रिटिश के अगेंस्ट, क्योंकि ब्रिटिश तो इंडिया में भी थे, तो मर्ज करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी थी। टॉकिंग टू मुस्लिम लीडर, अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर लाइक अ ब्रदर, जिसके अंदर हमने बात करी थी मोहम्मद अली ने शौकत अली की, बिगेन डिस्कसिंग विद द महात्मा गांधी जी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड मास एक्शन ऑन दिस इशू, एंड गांधी जी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट, यानी कि एक छत्र के अंदर सभी को ला दो, हिंदू मुस्लिम इसके अलावा यहाँ तक कि बच्चे तक, महिलाएं तक, बूढ़े तक सब शामिल हो गए। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सेप्टेम्बर 1920 ही कन्विंस other leader to need to start the non-cooperative movement in support of Khilafat as well as for the Swaraj। तो इसलिए इसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिली थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रीवियस ईयर में अगर आप देखोगे नज़र मार के बहुत बार आपको देखने को मिलेगा अलग अलग टाइप्स में, लेकिन ओवरऑल जो इसका मेथड है वो कुछ इसी तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। व्हाई डिड नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन द सिटी, गिव रीजन। तो क्यों ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो धीरे धीरे स्लो डाउन होता गया था शहरों के अंदर खासतौर पर, क्या उसके कारण थे? सबसे पहले एक्सपेंसिव खादी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, खादी यानी कि
आप देख कह सकते हो ये हमारी घरेलू चीज थी जो गांधी जी द्वारा लॉन्च भी की गई थी। ये इतनी ज्यादा महंगी थी कि एक तरीके से हर कोई लोग खासकर पुअर पीपल तो इसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। और इसके अलावा अगर हम हर चीजों का बॉयकॉट जो कर रहे थे, नॉन कोऑपरेटिव हम सहयोग नहीं कर रहे थे, तो हमारे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव था भी नहीं। द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोस्ड अ प्रॉब्लम। इससे क्या गया, जो हमने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को पोस्ड कर दिया यानी कि एक तरीके से हमने उनका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, तो हमारे पास ऐसा कोई वेरियस टाइप के इंस्टीट्यूशन नहीं थे। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन बट दीज वर स्लो टू कम अप। लेकिन वो उस समय आए नहीं थे, तो धीरे धीरे आए थे, इसलिए एक रीजन ये भी माना जाता है। स्टूडेंट एंड टीचर हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट ज्वाइनिंग बैक गवर्नमेंट स्कूल एंड लॉयर ज्वाइन बैक वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट। तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने कोर्ट जो थे लॉयर थे वो दोबारा चले गए। जो बच्चे जो कॉलेज के प्रोफेसर जो भी थे उन्होंने दोबारा से इसको ज्वाइन करना पड़ गया था। लोकल मूवमेंट विद द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। देखो हर एक ग्रुप की अपनी अपनी नीड थी। वर्कर इंडस्ट्रियलिस्ट पीजेंट ट्रेडर्स हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी जी नोशन ऑफ स्वराज। तो स्वराज को लेकर उनकी अलग अलग अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। दे स्टार्ट यूजिंग वॉयलेंट मेथड फॉर देयर डिमांड। जब उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही थी तो वॉयलेंट मेथड को अडॉप्ट कर रहे थे। ऑल दिस वॉज नॉट अप्रूव्ड बाई गांधी जी एंड द कांग्रेस। और गांधी जी आप जानते हो कि वो कभी भी वायलेंस के साथ तो जाएंगे नहीं, वो हमेशा से उसके खिलाफ थे, इसलिए उनकी जो भी डिमांड आती थी उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। सो दैट्स अ रीजन कि जो मूवमेंट था वो धीरे धीरे एक तरीके से जो पीक लेवल पे जा रहा था वो धीरे धीरे कम भी होता चले गया था। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में किस तरीके से अपना रोल प्ले किया। कुछ नाम याद रख लीजिएगा, मिस्टर पुरुषोत्तम, मिस्टर जी डी बिरला, ये एक तरीके से कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम है। तो इन्होंने कैसे कैसे एक तरीके से रोल प्ले किया था। सबसे पहले बाय अपोजिंग कॉलोनियल पॉलिसी। तो ये कॉलोनियल जो पॉलिसीज थे उसके अगेंस्ट में थे बिल्कुल। कॉलोनियल का मतलब होता है कि जैसे ब्रिटिश यहां पर आए थे उन्होंने पूरा एक तरीके से इंडिया के ऊपर अपना राज करना शुरू कर दिया, उन्होंने हमें इंडिया को अपनी एक कॉलोनी बना लिया थे, इसके अगेंस्ट थे। द इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास वॉज कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस सो दे रिएक्ट अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसी दैट रिस्ट्रिक्ट बिजनेस एक्टिविटी। क्योंकि वो अपना बिजनेस खुद चाहते थे इसलिए उसके अगेंस्ट थे। दे वांटेड प्रोटेक्शन और वो प्रोटेक्शन भी चाहते थे अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड रुपीस स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट। कहीं इतना ज्यादा वो ना हो जाए कि उनसे भी उनको प्रॉब्लम होने लग जाए। इसके अलावा फॉर्मिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने खुद की अपनी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट। दे फॉर्मड द इंडियन इंडस्ट्री कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैंबर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसे FICCI कहते हैं इन 1920 में इसे एस्टैब्लिश किया था। तो आज के समय आप देखते हो ना FICC का जो मार्क होता है वो आपको हर जगह ज्यादा देखने को मिलता है। सपोर्ट टू सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, और साथ ही जो सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट था उसमें उन्होंने सपोर्ट भी दिया था। लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्री लाइक पुरुषोत्तम ठाकुर दास एंड जी डी बिरला द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्ट द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट व्हेन इट वॉज फर्स्ट लॉन्च, जो अपने आप में काफी बूस्ट देने वाली बात थी। फाइनेंशियल एड की अगर बात करें कि दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स। मोस्ट बिजनेसमैन कम टू सी स्वराज एज अ टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन अ बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लरी विदाउट कॉन्सेंट्रेट। इसके अलावा लास्ट था रोल ऑफ वर्किंग क्लास की अगर बात करें, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास आल्सो पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट इन 1930 थाउजेंड ऑफ वर्कर इन छोटा नागपुर पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट रैली एंड बॉयकॉट कैंपेन्स। सो दैट्स अ रीजन आप कह सकते हो कि मिला जुला एग्जाम्पल दे के आप बता सकते हो कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के उन्होंने कुछ इस तरीके से नेशनल मूवमेंट के अंदर अपना रोल प्ले किया था जो एक तरीके से काफी ज्यादा हेल्पफुल भी था इंडिया के लिए। ठीक है, सो ये थे बच्चों हमारे टॉप 15 क्वेश्चन जो कि आपके स्पेशली शॉर्ट एंड लॉन्ग सीरीज से रिलेटेड थे। इसके अलावा जो एमसीक्यू है वो मैंने आपको अलग से प्रोवाइड करवाया है। सो ऑल्सो कि बच्चों आपको आज की ये जो वीडियो वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी और जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।